Hi everyone. So today we will see this is the hostel room of Armin LU. So ये third year का room है जो आप देख सकते हैं मेरे friend का है. तो ये आपको एक अलमारी मिलेगी सबसे पहले एक room में. ये separate room आपको third year मिलता है. This is the अलमीरा. ये first है और ये second है. दो आपको अलमीरा मिलती है यहाँ पे. This one, ये मेरा bag रखा हुआ है. सेम यहाँ पे आपको एक कवर टाइप का मिलेगा जहाँ आप अपने बुक्स कॉपीज रख सकते हैं. सेम दिस साइड बिकॉज दो रूम का सेट होता है बट नॉर्मली थर्ड ईयर में आपको सिंगल रूम मिलने लगता है. एक सिंपल फैन मिलेगा आपको. ट्यूबलाइट दिस साइड और आप अपना कूलर वगैरह भी यहाँ से लगा सकते हैं. तो दिस इज़ दी हॉस्टल रूम. आप देख सकते हैं कोई भगवान वगैरह की मूर्ति वगैरह रखना चाहते हो तो इधर रख सकते हैं. आपको ये यहाँ पर टेबल मिलेगी जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं. दिस इज द टेबल. चेयर मिलेंगी. दो चेयर है जैसे यहाँ पर दिख रहा है. दो चेयर सेम टेबल इधर है बिकॉज दो रूम का सेट है बट जैसे आपको सिंगल रूम मिलेगा. सेम आपने लैपटॉप वगैरह चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे. एक दिस साइड एक बेड मिल जाएगा यहाँ पे बट बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बेड को नहीं रख ओके मतलब सिर्फ इसको रखते हैं वाइल ये पूरा स्टैंड नहीं रहता है. तो दिस इज़ ऑल जो आप देख सकते हैं. सेम वेंटिलेशन का है. यहाँ पे दो खिड़की है और ये दरवाज़ा दिखा हुआ है. तो इफ़ यू ओपन दिस तो ये बाहर की तरफ खुलता है. ये पूरा हॉस्टल आपको मिलता है. सो ग्राउंड फ्लोर पे रहता है फर्स्ट ईयर. देन थोड़ा सा डिवाइडेड है रैंडमली डिवाइडेड है पर थर्ड ईयर लेकिन यहाँ रहता है. वो गार्ड साहब आ रहे हैं उधर दिख रहे हैं आपको जिसमें क्योंकि भी रोक रहे थे. यहाँ कपड़े वगैरह फैला सकते हैं. दिस इज द बालकनी और बालकनी से थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ. वो दिख सकते हैं कूलर वगैरह भी लगा हुआ है दैट साइड. एंड दिस इज द होल व्यू ऑफ द आर्मी हॉस्टल. नीचे गार्डन है. फर्स्ट ईयर वहाँ रहता है. सेकेंड ईयर भी इस सेकेंड फ्लोर पे रहता है वही थर्ड ईयर ऊपर रहता है. आप देख सकते हैं दिस इज़ दी आर्मी एल यू हॉस्टल. पूरा बढ़िया रहता है यहाँ पे. हवा भी आती रहती है बिकॉज ये नॉर्मल ओपन होता है. वाइल जो उस साइड का हॉस्टल है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा अभी. वो बाहर खुलता है. तुम्हारे रूम से बहुत अच्छा व्यू है भाई. ये है दिस साइड से व्यू भाई साहब. ये है व्यू. हाँ भाई बहुत अच्छा व्यू है तुम्हारा. आदित्य का उतना अच्छा नहीं है. ये है नीचे. यहाँ कोई आता ही नहीं है ना क्या. ओ भाई साहब यहीं से आया भाई. भाई यार तुम लोग क्या आती है ना. ओके भैया यहीं से आती है. विकास वाले के रूम के पास है बहुत. विकास के रूम से हम बहुत आते हैं. ये एक किस साइड है. एक किस साइड है. तेरे आती नहीं है क्या. ये मरी पड़ी भाई साहब. अच्छी बात है. हाँ बहुत हो रही है. अभी ये दो चार तो मेरे पैर से मर गई अभी. ना ही दिखाएं भाई हॉस्टल रूम में. नहीं दिखा देंगे भाई. कॉकरोच वगैरह मिल जाएंगे कभी कभी. हॉस्टल है भाई वो थोड़ी ना है भाई. लेकिन ये रोड जाती है वहाँ पर ना. मुझे याद है मेरे कृष्ण नगर रास्ता है. लेकिन बढ़िया है यहाँ से भी. बहुत बढ़िया है. बहुत हवा वाला है. खोल भी सकते हो कभी कभी. बस यही मधुमक्खी इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस साइड वाले हॉस्टल्स में. चलो भाई बढ़िया है. तेरा रूम तो सेम वैसे ही है सब कुछ. सेम तेरा हॉस्टल है सेम. लेकिन आदित्य भाई का बहुत सुंदर बना हुआ है. तेरे में छेद कितने सारे कर दिए. मिला हुआ था ना. अच्छा नहीं कूलर तुम लगा सकते हो. लगाओगे ना अभी. हाँ चलो भाई बढ़िया है. थैंक यू. अच्छा हाँ वॉशरूम वॉशरूम भी दिखा दे. ये कॉलोनी है. अच्छा ये बताओ भाई पहले इसका कुछ नाम था. बीच गांव ये ब्रिज है. और अच्छा रैंक्स पे होता है ना कि रैंक वाले उधर रहते थे पहले. ये ब्रिज सिन सिटी है. ओके पॉश क्या. अच्छी रैंक वाले वहाँ रहते थे ना पहले. पहले टॉप रैंक वाले वहाँ या ब्रिज देन ये गाँव. अरे उधर गाँव. ओके दैट साइड जो उस साइड है. हाँ उधर गाँव है. फायर हाइड्रेंट ये वॉशरूम है. लेट्स सी दिस कोई हो ना बस. ठीक है वही. दोनों साइड ना. दिस साइड यहाँ पे वॉशरूम वगैरह नॉर्मली क्या दिखाया भाई वॉशरूम. बस चलो भाई हो गया. उतना स्टिंग तो नहीं करता भाई यहाँ पे. ठीक है आ गई आ गई आ गई. भाई काट लेगा तो फिर इतना बड़ा होगा.
चलो ठीक है, दिस इज द हॉस्टल रूम जो आपको दिखा दिया है, अच्छा खासा व्यू है। और तुम्हारी साइड बस यही है थोड़ा अच्छा है, मतलब ओपन है या इस तरफ, पर नीचे वाला भी ठीक ही था। फर्स्ट रूम फर्स्ट ईयर, तुम तो सेकंड ईयर वाले में तो रहे नहीं हो कभी? सेकंड फ्लोर पे सेकंड ईयर रहता है। तुम लोग सेकंड ईयर रहे नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग कॉलेज ऑफ था। और ये कौन सा है, ये किन का ऊपर छत है जो बंद है? अभी कौन सी जगह लगाई है? अब इसको मैं नहीं जानता, कहाँ कहाँ लड़के आ रहे। चलो भाई हो गया, छत बंद रहता है ना भाई, रूम्स है ना दो चार, मुझे लग रहा है इधर वैसे ही छत ही है, ये छत पे जाने का ही है और रास्ता है। ओके चलो भाई, आज हॉस्टल रूम का टूर भी हो गया। नॉर्मल रूम है भाई, सब कुछ बढ़िया है। बैग उठाते भाई चलते लाइब्रेरी, आज एग्जाम आ गए हैं पास। आपको आई डी पासवर्ड मिल जाता है थ्रू दैट यू कैन एक्सेस वाईफाई, लेकिन उनके पास सारा डेटा रहता है कितने जीबी यूज करा, इवन कौन कौन साइट यूज करी, सब रहेगा मेरा डेटा भाई, सब डेटा रहता है भाई, पूरे कौन सी प्राइवेसी सारा डेटा भाई क्या चला रहे हो, बिब्लियोग्राफी। हाँ तो क्या ये, अच्छा ये जैसे है ये टाइम्स न्यू रोमन नहीं है, हाँ है ना, मैं अब इसको एक थोड़ा सेक्शन करो, हाँ थोड़ा सेक्शन करो, चार पाँच लाइन जैसे यही मान लेते हैं। अरे हो गया क्या? हो गया था। सो इफ़ यू लव दिस वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, अपने अपने कोचिंग के ग्रुप्स पे, और शेयर करिए अच्छे से। और आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं आई वुड लाइक टू नो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, तो इस तरह के और वीडियोज भी हम लोग बना सकते हैं। दिस इज़ अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट आरमेन एनएलयू, साइन इन।